गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर 11 पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। देखिए, इसमें दो शब्द आता है, एक एम्पायर्स और दूसरा किंगडम। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में ये, जैसे एक बीघा हो और हेक्टेयर हो तो दोनों में अंतर है। यदि मीटर हो और किलोमीटर हो तो अंतर है, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है, वो कई मीटर से बनके किलोमीटर बनता है। तो एम्पायर भी इसी तरह है। एम्पायर जो होता है बहुत बड़ा होता है किंगडम से, कई किंगडम को मिलाकर एक एम्पायर बनता है। मतलब एक बड़ा, ए बिग एम्पायर मीन्स ए वेरी बिग किंगडम। तो किंगडम जो बड़ा होता है वो एम्पायर कहलाता है। एम्पायर का रूलर इम्पेरर कहलाता है, जो किंगडम का रूलर होता है वो किंग कहलाता है। तो ये इसमें एम्पायर और किंगडम में यही डिफरेंस है। अब इसमें हम चलते हैं प्रशस्ति। सबसे पहला वर्ड यहाँ आया है प्रशस्ति। प्रशस्ति मीन्स होता है इन प्रेज ऑफ, प्रशंसा में। तो राजा की प्रशंसाओं में जीवनियां लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी। तो प्रशस्ति का अर्थ होता है इन प्रेज ऑफ, यानी प्रशंसा में। किसकी प्रशंसा में? तो राजा की प्रशंसा में जो कुछ भी लिखे जाते थे, कंपोज किए जाते थे, तो वो कहलाता था प्रशस्ति। तो देखिए, गुप्त वंश के बारे में यदि हम चलें, तो यहाँ सवाल है कि अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। अरविंद समुद्रगुप्त का रोल निभा रहा था, ए फेमस रूलर ऑफ ए डायनेस्टी। समुद्रगुप्त का संबंध है गुप्त वंश से, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें प्रशस्ति, उसका जो समुद्रगुप्त का जो पोर्ट पोएट था वो था हरिसेन। क्या नाम था उसका? हरिसेन। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो जीवनी लिखी, उसका हरिसेन लगभग 1700 साल पहले, तो दिस वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद के उनके अशोक के अभिलेख शिलालेख पर यह लिखवाया गया था। तो दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए सोशल काइंड नॉन एज ए प्रशस्ति, ए संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। तो प्रशस्ति वेर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स। प्रशस्ति किसके लिए लिखे जाते थे? रूलर्स के लिए। अब है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो देखिए, समुद्रगुप्त के लिए एक प्रयाग प्रशस्ति है, जिससे समुद्रगुप्त के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त, लेटेस्ट सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल टेल्स अस। द कोर्ट पोएट द पोएट प्रेज द किंग इन द ग्लोइंग टर्म। इसमें कवि ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा कैसे की है? ऐसे की है एज ए वॉरियर, एक योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। एज ए किंग हु वॉन विक्ट्री इन द बैटल, यानी जो कि लड़ाई में विजय पाता है। हु वॉज लर्नेड, जो काफी विद्वान व्यक्ति था। एंड द बेस्ट ऑफ पोएट, और अच्छे कवि भी थे समुद्रगुप्त। वो एक महान योद्धा होने के साथ अच्छा रूलर भी था, और अच्छा विद्वान होने के साथ साथ अच्छा कवि भी था। इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स, उससे उसकी तुलना गॉड से की गई है। तो द प्रशस्ति वॉज कम्पोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज, हियर इज ए पार्ट वन ऑफ द सेंटेंसेज। देखिए, समुद्रगुप्त, इसमें दिखाया गया समुद्रगुप्त ए वॉरियर हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, जिसका बॉडी कैसा था? काफी आकर्षक था। बींग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ 100 ऑफ स्टार्स कॉज बाय बैटल एक्सेस, एरोज, स्पाइक्स, स्पीयर, उसके बाद स्वॉर्ड्स, आयरन क्लब्स, जेवलिन्स, बार्ड एरोज, लॉन्ग एरोज एंड मेनी अदर वेपन्स। यानी उसको अस्त्र सुसज्जित एक वॉरियर के रूप में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, इफ यू लुक एट मैप 7 पेज नंबर 113 में यदि आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें एरिया कुछ शेडेड है ग्रीन में, वो गुप्ता एरिया है। एंड यू विल फाइंड एरिया मार्क इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। तो दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति में, जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके आधार पर सक जाए। तो हरिसेन डिस्क्राइब फोर डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर। हरिसेन किसका था? समुद्रगुप्त का था। हरिसेन ने कौन सा प्रशस्ति लिखा? तो हरिसेन ने लिखा प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा लिखा? प्रयाग प्रशस्ति, ये लिखा गया था हरिसेन। और हरिसेन किसका कोर्ट पोएट था?
हरिसेन समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था, उसमें जिन चार राजाओं को हराया था समुद्रगुप्त ने, उसका वर्णन है इसमें। द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, यानी आर्यावर्त के शासकों को हराया, जो कि ग्रीन कलर में शेडेड है। हेयर देयर वे 9 रूलर्स, तो आर्यावर्त के 9 शासकों को गुप्त खास करके समुद्रगुप्त ने हराया, उसको जड़ से विनाश कर दिया। दूसरा था द रूलर्स ऑफ दक्षिणापद, यानी चोल चेर पांड, ये जो दक्षिण के राजवंश थे, तो उसको सातवाहनों को कहा गया है दक्षिणापद, यानी लॉर्ड ऑफ दक्षिणापद के शासकों को कहा गया है सातवाहनों को, तो यानी दक्षिणापद के 12 शासकों को भी समुद्रगुप्त ने हराया। तीसरा था नेबरिंग स्टेट्स, जो भी पड़ोसी राज्य थे उसके राजाओं को भी समुद्रगुप्त ने हराया, वो था असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड ए नंबर ऑफ गणसंघ, इस सबको हराया। उसके बाद चौथा था श्रीलंका हो गया, उसके बाद शकों को हराया, कुषाणों को हराया, ये सब किसने विक्ट्री पाई, समुद्रगुप्त, क्योंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था और वो नेपोलियन की तरह अजय था, जिस कहीं जिस किसी पर आक्रमण करता था साम्राज्य पर तो उसको विजय मिलती थी, इसलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की गई, यानी भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का संबंध किस वंश से है, तो गुप्त वंश से है। अब है जेनियोलॉजी, तो जेनियोलॉजी होता है वंशावली। मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर, इसमें जो शासक के जो एंसेस्टर होते हैं, पूर्वज होते हैं, उसका वर्णन रहता है ज्यादातर प्रशस्ति में। तो जेनियोलॉजी वही वंशावली होती है, दादा के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, एक डायनेस्टी की तरह जेनियोलॉजी वंशावली होती है। तो दिस इज वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, समुद्रगुप्त का जो ग्रेट ग्रैंडफादर था, उसके बाद ग्रैंडफादर यानी परदादा, दादा, पिता और मदर। समुद्रगुप्त की माँ का नाम था कुमार देवी, बिलोंग टू द लिच्छवीगण, कुमार देवी का संबंध लिच्छवीगण से था, किससे था, लिच्छवीगण से था। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू एडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, यानी गुप्त वंश के पहले शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, वो था समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त। तो समुद्र ऑल्सो यूज दिस टाइटल, इस टाइटल को, उपाधि को चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने भी अपनाया। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर मेंशन सिंपली एज महाराजा, उसके परदादा और दादा को महाराजा से उल्लेख किया गया है। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, और धीरे धीरे इस परिवार का महत्व काफी बढ़ा। तो समुद्रगुप्त इंटर्न फिगर्स इन द जेनियोलॉजी ऑफ लेटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन, उसके बाद समुद्रगुप्त का जो बेटा था वो था चंद्रगुप्त टू, जिसे क्या कहा गया, विक्रमादित्य भी कहा गया है। चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त मौर्य, अंतर है दोनों में, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया मौर्य वंश से, जबकि चंद्रगुप्त टू ये है गुप्त वंश से, और चंद्रगुप्त टू किसका बेटा था, ये समुद्रगुप्त का बेटा था। तो वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस, यानी इंस्क्रिप्शन शिलालेख से और सिक्कों से उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे गुप्त वंश का सिक्का, समुद्रगुप्त का जो सिक्का मिला है उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इट मीन्स ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको वीणा बजाने में शौक था। साथ ही वो एक लर्नेड व्यक्ति भी थे, कवि भी थे, महान योद्धा भी थे। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, उसने पश्चिमी भारत पर अभियान किया चढ़ाई के, वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शक्स, जहां उसने शकों पर सफलता पाई। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ, यानी बाद के अनुमानों के हिसाब से, हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नेड पीपल, यानी चंद्रगुप्त का जो दरबार था वो विद्वानों से भरा हुआ था, उसी में था कालिदास भी, कालिदास, बारा मिहिर, धनवंतरी, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। अकॉर्डिंग टू लेटर, तो उसी में एक पोइट कालिदास के बारे में मैंने जिक्र किया, जिसने हरि अभिज्ञान शकुंतलम में गौतम रघुवंशम आदि की रचना की है, और इसी के जो है आर्यभट्ट द एस्ट्रोनोमर, अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर 12। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आज समुद्रगुप्त और प्रशस्ति के बारे में जाना,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर्षवर्धन और पल्लव चालुक्य और पुलकेशन प्रशस्ति के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।